इधर ईडी ने पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में चार्जशीट फाइल कर दी है। चार्जशीट में पार्थ चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी के खिलाफ ठोस सबूत होने का दावा किया गया है। ममता बनर्जी सरकार में पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी नजदीकी अर्पिता मुखर्जी पर ईडी का शिकंजा कस चुका है। प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को बंगाल के एसएससी भर्ती घोटाले में पहली चार्जशीट फाइल की। चार्जशीट में दो मुख्य आरोपियों पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी के नाम है। वहीं 172 पेज की चार्जशीट में 6 कंपनियों के नामों का भी जिक्र है जो पार्थ को घोटाले में मदद कर रही थी। छापेमारी में पार्थ और अर्पिता के नाम की 48,22,00,000 रुपए की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। वहीं इस मामले में कुल 103 करोड़ रुपए से ज्यादा की बरामदगी की जा चुकी है। पार्थ चटर्जी और अर्पिता को 23 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। दोनों फिलहाल 28 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में हैं। ईडी ने स्कूल टीचर भर्ती घोटाले में पार्थ और अर्पिता मुखर्जी से जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी की थी और 50 करोड़ रुपए से ज्यादा नकद, फॉरेन करेंसी, ज्वेलरी और सोने के बिस्किट बरामद किए थे। पार्थ की गिरफ्तारी के बाद उन्हें टीएमसी से निलंबित कर मंत्री पद से हटा दिया गया।